सर हमारा पहला सवाल ये है कि हमने जो है अदानी पावर के शेयर लिए थे एट द रेट ऑफ 240, 150 शेयर लिए थे, तो हमने 50 शेयर 840 में बेच दिए हैं, पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लिया। अब पूछू क्या, बचे हुए स्टॉक्स कब बेचने हैं या रखे रहे हैं, ऐसा पूछू? यस सर प्लीज। बहुत बढ़िया एक्विजिशन प्राइस है मोनिका जी की, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर भी चुकी हैं राजेश सर। अभी ये जो बचे हुए 100 शेयर हैं, 350-450 रुपये पर शेयर गेन हो रहा है, क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून आशीष जी, बाकी भी जो महिला मित्रगण है सबको नमस्कार। अदानी पावर आपकी बहुत अच्छी एक्विजिशन प्राइस है और आपने जो पार्शियल प्रॉफिट बुक किया है उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि शायद जीरो कॉस्ट हो गई होगी या बहुत कम हो गई होगी। अब आते हैं कंपनी के पर, तो कंपनी अगर आप देखो तो थर्मल पावर में एक बड़ी कंपनी है, कुछ डेट भी इन्होंने कम किया है, इस वक्त करीब 25,000 करोड़ के आसपास का डेट है, न केवल बांग्लादेश में बल्कि सप्लाई करती है, बल्कि केनिया में भी इन्होंने नया करार किया है। पहली तिमाही में थोड़ा सा बॉटम लाइन में ड्रॉप आया था, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके की कैपेसिटी है कंपनी की और जिस तरीके के पावर की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, न केवल भारत में बल्कि निकटवर्ती देशों में जहाँ ये कंपनी सप्लाई करती है, स्टॉक में बने रहना चाहिए। बाजारी कारणों के कारण से, बाजार के फोर्सेस के कारण से हो सकता है कि ये स्टॉक थोड़ा और टूट जाए, मेरे ख्याल से 50, 575, 80 तक अगर आता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। आपके पास है अगर तो, और समय की कोई दिक्कत ना हो तो बनी रहे। आगा छिका मैम, अगला सवाल। सर जियो फाइनेंस है, 135 शेयर्स है 373 के प्राइस पे। सर सेम क्यों वही लिया, लंबी अवधि के लिए सर, लिया? वही खरीदते ही गिरने लग गया तो फिर वो तो हम रिटेल के साथ सब में ऐसे ही होता है, पर ये लिया क्यों था? ये भी 2-3 महीने वाला मामला था क्या? हाँ सर वही था, 2-3 मंथ्स के लिए था बट अभी लॉन्ग हो गया। पोजिशनल बेट अब लॉन्ग टर्म बन गई है। राजेश सर क्या करें भाई? देखिए आशीष जी, जब जिस दिन से जियो लिस्टिंग हुई है, संयोग से मैं चैनल पे था और उस दिन से मैंने इसमें बाय कॉल दी है और आज भी मैं इसमें बाय कॉल देता हूँ, बट आपको कम से कम 3 साल 4 साल का होराइजन लेना पड़ेगा। ह्यूज डेटाबेस है कंपनी के पास, फिर वो टेलीकॉम का हो चाहे रिटेल का हो, बड़ी तेजी से फैल रहे हैं, ब्लैक रॉक के साथ करार हुआ है, म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस में आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम जैसे चरणजीत सिंह अत्रा साहब, कामत साहब हेल्म पे है, सारी चीजें पॉजिटिव जा रही है, बट इन सब चीजों को फ्रक्टिफाई होने में थोड़ा सा समय लगता है। आप 2-3 साल इस स्टॉक में बनी रहे, मेरा अंदाज है कि ये बहुत अच्छे रिटर्न देगा।